कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतारी पुरुष बताते हुए उनकी तुलना भगवान से कर दी। हरदा में पोषण आहार अभियान की शुरुआत करते हुए कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में असंभव को भी संभव करके दिखा दिया है। हरदा में पोषण आहार अभियान की शुरुआत करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने का यह अभियान देश को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आज दो महान युग पुरुषों का जन्म हुआ है, एक भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने शिल्प कला दी और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने केवल प्रधानमंत्री आवास ही नहीं बनाए बल्कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिस तरह भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि में वास्तुकला की नींव रखी है उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए अवतार लिया है। कमल पटेल ने कहा, जब रावण के अत्याचार बढ़े, लोगों का जीना दूभर हो गया, ऋषियों का हवन करना मुश्किल हो गया, तब राम ने जन्म लिया और जब कंस के अत्याचार बढ़े तब कृष्ण ने अवतार लिया। उन्होंने कहा कि जब भी धर्म की हानि हुई है, अधर्म बढ़ा है, तब भगवान ने मानव के रूप में जन्म लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह इन 6 सालों में और उसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में असंभव को संभव कर दिखाया है, उससे स्पष्ट है उनके रूप में भगवान ने जन्म लिया है और अब 21वीं शताब्दी भारत की होगी। समाज के हर वर्ग को स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्रवान और देशभक्त चार गुणों से देशभक्त नागरिकों का निर्माण करने के लिए जिनका जन्म हुआ है आज ही के दिन और वह ऐसा युग पुरुष महान आत्मा, या मैं कहूं कि उस समय भगवान ने विश्वकर्मा जी के रूप में जन्म लिया और अब भगवान ने नरेंद्र मोदी के रूप में जन्म लेकर पूरे भारत का पुनर्निर्माण करके इस राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। और जब जब भी भगवान ने अवतार लिया है तो मनुष्य योनि में ही अवतार लिया है। जब रावण के अत्याचार बढ़े, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया, ऋषि मुनियों का यज्ञ करना मुश्किल हो गया, माता बहनों की इज्जत सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया, आम आदमी का जीना दूभर हो गया और उस समय भगवान राम ने जन्म लिया मनुष्य जीवन में और रावण का अत्याचार का अंत किया। जब कंस के अत्याचार बढ़े तो भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और कंस के अत्याचार खत्म किए। जब जब भी धरती पर पुण्य की हानि हुई है, धर्म की हानि हुई है, अधर्म पाप बढ़ा है, तब किसी न किसी भगवान ने मनुष्य योनि में अवतार लिया है और इसलिए एक संयोग है कि विश्वकर्मा जी की भी जयंती आज है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी 17वां जन्मदिन आज है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो मोदी जी के द्वारा 6 साल में भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद और मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में जो काम किया है, असंभव को संभव किया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।